हेलो, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल ए बी पर रखे हैं एम वन एम टू मास के, जिनकी डिस्टेंसेज हैं आर वन आर टू। इनके बीच में होगा सेंटर ऑफ मास सी। तो यही फिगर में हमने दिया है। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज एम वन एंड एम टू लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सपोज आर वन एंड आर टू बी द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटिव टू द ऑरिजिन ओ। आर वन आर टू पोजिशन वैक्टर्स हैं। देन द पोजिशन वैक्टर आर सी एम, सी सी एम फॉर सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन है एम वन प्लस एम टू इन टू आर सी एम इज एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। सो द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी एम वन प्लस एम टू एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास यानी आर सी एम इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेज ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन वेक्टर्स यानी एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। इससे हमने निकाला आर सी एम इज एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब इसको एनालाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम यानी सी ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज बिटवीन द टू पार्टिकल्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में है सी एंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम यानी ए बी को मिलाने वाली रेखा पर है ये सेंटर ऑफ मास यानी सी। मैथमेटिकली सेकेंड, इफ एम वन इज एम टू इज एम, दोनों मासेज बराबर हैं, देन पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर सी एम इज एम वन एम आर वन प्लस एम आर टू अपॉन एम वन एम प्लस एम, सो आर वन प्लस आर टू अपॉन टू। सो सेंटर ऑफ मास इज द एवरेज पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल्स। थर्ड, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाइज एट द ऑरिजिन, अगर सेंटर ऑफ मास सी पॉइंट ओ पर ही लाई कर रहा है तो ये डिस्टेंस आर जीरो होगी। आर सी एम अगर हम यहाँ पर जीरो लिख दें तो मिलेगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज जीरो। सी व्हाट इज एम इन टू आर, दिस इज मोमेंट। ओके, दिस इज मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द मोमेंट ऑफ सेकेंड पार्ट। सो सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द मासेज ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ये आपका सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का हुआ।